मई महीने की भीषण गर्मी के बीच जल संकट की विकराल समस्या ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। वहीं भैंसदेही में ठेकेदार की लापरवाही के कारण स्थानीय लोगों के सामने पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया, जिसके चलते ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए जल समस्या को दूर करने की मांग की है। भैंसदेही ब्लॉक मुख्यालय के ग्रामीण अंचलों में जल संकट धीरे धीरे पांव पसारने लगा है। इसके पीछे कुछ हद तक अधिकारियों की लापरवाही है, तो वहीं दूसरा प्रमुख कारण जल संकट से निपटने की दिशा में किए जा रहे कार्यों का अपूर्ण होना सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। मुख्यालय की ग्राम पंचायत राक्सी के अंतर्गत आने वाला ग्राम बोरगांव डैम में पेयजल के लिए एक वर्ष से कार्य कराया जा रहा है, लेकिन आज तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। ठेकेदार ने आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया। वहीं अधिकारी भी बोल बतूले कर यह आश्वासन दे रहे हैं कि ठेकेदार को नोटिस जारी किया है और मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में दे दिया है। वहीं ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर इलाके में व्याप्त जल संकट को दूर करने की मांग की। सभी ग्रामवासी मिलकर के सभा में तय किया है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो चुनाव का बहिष्कार करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? अब साहब देखो कि मतलब गांव तो वैसे भी और वैसे भी आपत्ति में पड़ा है, इसलिए तो सब ग्रामवासी मिलकर के ये निर्णय निकाला। पीछे ऑफिस में आवेदन देने आए थे, काम काय के लिए ये कनेक्शन करके पानी की समस्या दूर की जाए। आपके गांव में कितने तक आबादी होगी? भी 800-900 होगी। और हेडपम्प एक भी नहीं है? एक भी नहीं। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का कहना है कि ठेकेदार से बात कर जल्द ही काम पूरा कराया जाएगा, अन्यथा ब्लैकलिस्टेड कर जुर्माना वसूल किया जाएगा। बोरगांव डैम के ग्रामवासी आए थे जी, इन्होंने ठेकेदार द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, मतलब काम रोक दिया गया है। यहाँ पर पेयजल योजना स्वीकृत है, जनभागीदारी गाँव वालों द्वारा बताया गया कि ये लोग काम ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, जिससे कि कई मोहल्लों में पानी अभी नहीं चालू किया गया है, इनके द्वारा पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। हमारे द्वारा ठेकेदार से चर्चा की गई, इनके द्वारा बताया गया कि आज शाम तक उनके पाइप आ जाएंगे जी। और इनके द्वारा एक ट्रांसफार्मर खराब होने की भी जानकारी दी है जी। आवेदन के माध्यम से इसमें बताया है कि ट्रांसफार्मर जो लगाया गया था ठेकेदार द्वारा वो कहीं उसमें खराबी आई है, तो उसे भी हम कल बदलवा रहे हैं। फिलहाल पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों को आश्वासन का घूंट पिलाकर रवाना कर दिया। देखना होगा कि भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या कब तक दूर होती है। बैतूल भैंसदेही से रिपोर्टर बाबा सोलंकी की रिपोर्ट।